हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन का इसका प्रॉपर 100% सॉल्यूशन हम बताएंगे यहाँ पे जी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा समझिए जी। यहाँ पे डी का वैल्यू कितना दे दिया था जी, 16। इसमें डी का वैल्यू कितना दिया था जी, 16 दिया था, उस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए इसका ये रूल होता है जी, ये बनाने का भी एक नियम होता है जी। जैसे देखिए इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 2D है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1.5D है, फिर इधर भी 1.5D। उसका देखिए इसका जो थिकनेस होता है जो इतना, इसका जो क्या होता है जी, सॉरी मोटाई जो होता है जी, मोटाई इसका तो जो डी होता है उसका हाफ होता है, क्या जी, आधा। जैसे इसका डी का वैल्यू कितना है जी, 16 है, तो इसका हाइट कितना रहेगा जी, आपका 8 mm रहेगा। तो इसको हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 16 है तो 2D चाहिए, तो 16 × 32, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन यहाँ पे, हम लोग यानी हल्की सी लाइन, एक पतली सी लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ पे ये 2D कितना है जी, 2D, तो 16 × 32, तो 32 mm का एक यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट यहाँ पे हम लोग शो करते हैं जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 32 mm का हम लोग मेजरमेंट एक लाइन ले लिए, अब रेखा ले लिए। अब रेखा लेने के बाद इसको ध्यान से देखिए क्या करते हैं जी, सेट स्क्वायर को ऐसे रखते हैं और प्रॉपर देखिए सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर रख के ऐसे, और रखने के बाद यहाँ से इसको क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला जो लाइन है जी, यहाँ से हम लोग यहाँ से एक सेंटर लाइन हम लोग शो करते हैं जी। देखिए ये सभी हम किस काम से, ये सभी काम हम लोग 4H पेंसिल यानी जो हमारी पेंसिल पतली चल रही है जी, तो उसकी सहायता से हम लोग कर रहे हैं जी, कि थोड़ा सा क्या हो, ज़्यादा डार्क ना दिखे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग ये क्या है जी, यहाँ पे ये क्या है, सेंटर लाइन से दिखाया, लेकिन हम लोग अभी हल्का सा लाइन इसको सेंटर लाइन से बाद में हम लोग शो करेंगे जी। अभी जिस तरह क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे जी, उस तरह हम लोग मिलाते चलेंगे। अब यहाँ पे मेजरमेंट में जो भी 2D है, उसके बाद 1.5D और 1.5D, तो यहाँ से हम लोग 1.5D इधर लाइन ले जाएंगे और फिर इधर भी ले जाएंगे। तो ये वाला हम ले चुके हैं जी। अब यहाँ से देखिए इस सेंटर लाइन से यहाँ 1.5D, तो यहाँ पे उसका हम लोग 1.5D का वैल्यूएशन निकालेंगे, कितना है, 24 आया है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे स्केल रखेंगे और इधर से हम लोग 24 काउंट कर लेंगे, तो 24 इधर काउंट कर लीजिए और देन इसके बाद ये वाला लाइन शो कर देंगे। उसका फिर 24 हम कहाँ शो करेंगे जी, इधर शो करेंगे, तो 10, 10, 20, 4, 24, क्लियर होगा जी। तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर ऐसे हम लोग शो कर लेंगे, इतना क्लियर हुआ। अब अगले स्टेप में देखिएगा, यहाँ से ये जो मेजरमेंट लिए जस्ट इसके ऊपर और नीचे, यहाँ पे जो गैप आप लोगों को पहले ही बताया, जितना डी का वैल्यू रहता है यानी डायमीटर जितना रहता है उसका हाफ ले लेते हैं, कितना जी हाइट इसका, यहाँ से जो हाइट का है जी, अधिकांश बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखें इसका हाइट का कैलकुलेट कर लेंगे, 16 है तो 16 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 8, तो 8 mm का हाइट ऊपर हो जाएगा और 8 mm का हाइट नीचे होगा। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 8 mm का हाइट ऊपर मार्किंग कर लेंगे और 8 mm का नीचे। तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, इधर से ये इसका मेजरमेंट ये ऊपर वाला का भी हो गया जी और नीचे वाला की, देखिए इस टाइप का हम लोग ब्लॉक बनाए। उसके बाद ध्यान से देखिएगा ये जो है इसका ये जो गैप है ये कितना है, डी यानी 16 है, तो ये सेंटर लाइन के 8 mm इधर लेफ्ट साइड और 8 mm राइट साइड, फिर यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, तो उसको हम लोग मेजर करके और मार्किंग कर लेते हैं जी। तो इतना तक तो हमारा फाइनली हो गया, ये क्लियर हुआ जी। यहाँ पे ये कितना भी देखिए सबका डायमेंशन दिखाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा जी, ये कितना था जी, यहाँ पे ये डी दे दिया था, तो इसका और इसके बीच में गैप। अब देखिए यहाँ पे ये सर्किल एक अर्धवृत्त बनाया ऊपर भी और नीचे भी, तो इसका क्या होता है, इसका 0.75D होता है, तो डी का वैल्यू, तो 0.57D का 0.75 का 16 का निकाल लेंगे तो कितना होगा जी, 12 mm होगा। तो 12 mm का हम लोग मेजरमेंट देखें, यहाँ पे हम लोग कंपास में दूरी भर लेंगे 12 mm का, और देखिएगा यहाँ पे रख के ऊपर भी लेंगे और नीचे भी और ऊपर भी और नीचे भी, तो 12 mm का हम लोग इसका त्रिज्या लेकर यहाँ पे हम लोग क्या किए, सर्किल ऊपर भी ड्रॉ किया और अर्धवृत्त और नीचे भी कर दिया। अभी देखिए इसको हम लोग HP करेंगे तो आपको ज़्यादा बेस्ट दिखेगा और समझ में भी आएगा जी, तो ध्यान से देखिएगा HP कैसे करेंगे। तो फाइनली देखिएगा हम लोग इसको, देखिए जो भी प्रॉपर लाइन है उसको हम लोग कर दिए, उसके बाद इसको हम लोग सेंटर लाइन से इसको शो कर दिए। देन सेंटर लाइन से शो करने के बाद ये देखिए इस टाइप का जो हमारा ये होता है जी, इसको हम लोग एरो की तरफ थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा सा फिगर मेरा क्या हो, ये जो शाफ्ट है ना छोटा छोटा, ये इसको हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे जी, क्लियर हो रहा है जी। तो ये हमारा क्या हुआ जी, ये जितना इसमें शाफ्ट दिखाया था सबको हम लोग यहाँ पे शो कर दिए। देखिए ऊपर वाला ये काम हमारा फाइनली हो चुका है। अब देखिए नीचे वाला जो बॉक्स है ये जो इस पार्ट को हम लोग शो करके, देखिएगा यहाँ से कुछ गैपिंग है, ये कितना गैपिंग है कोई कन्फर्म नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा ये जो भी लाइन है सभी एक दूसरे के ये ग्राफ, तो यहाँ से हम लोग सबको ग्राफ शो करेंगे। तो ग्राफ कैसे शो करेंगे तो इसको ध्यान में दीजिएगा, ग्राफ का हम लोग शेड्यूल कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो भी लाइन है जी, सबसे हम लोग हल्की पेंसिल की सहायता से या जो हमारा 4H हो या 2H ग्रेड की जो भी पेंसिल है उसकी सहायता से हम यहाँ से क्या करेंगे जी, सभी का हम लोग ग्राफ प्रॉपर शो करेंगे जी, जो हमारा बेस में बिल्कुल एक बराबर में हो। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये जो भी हम सेंटर लाइन है इसको प्रॉपर एक साथ में बैठा के सेट स्क्वायर को, तब उसके बाद हम लोग ऐसे देखिए यहाँ पे बैठा चुके हैं जी, और बैठाने के बाद ये जो भी है जी यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग एक ग्राफ ऐसे शो करेंगे। फिर देखिए यहाँ से है जी, इसको भी हम लोग शो करेंगे, फिर ये है हमारा लास्ट, तो यहाँ से हम लोग ग्राफ शो करें। क्लियर हो रहा है जी कैसे ग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है जी, तो ध्यान से देखिएगा। फिर इधर भी आइए जी, सेम प्रोसेस जो उधर काम किए हैं वही सेम प्रोसेस इधर भी काम करेंगे जी, ये लाइन, उसके बाद यहाँ से इस ग्राफ को हम लोग शो कर देंगे और देन उसके बाद ये ग्राफ प्रॉपर, क्लियर हुआ जी। देन इतना क्लियर हो जाने के बाद अब देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं,
अब यहाँ से देखिए कुछ गैपिंग है, ये कितना का है जी? तो यहाँ पे कोई गैपिंग वगैरह कोई जिक्र नहीं किया कितना का गैप है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना 10 mm का गैप लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक फर्स्ट में 10 mm और फिर उसके बाद 10 mm, दो को क्यों लिए जी? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो मार्किंग किए, क्योंकि ये भी यहाँ से यहाँ 10 और फिर ये वाला जो लाइन है इसके बीच में भी कितना 10 mm का गैप है। तो प्रॉपर यहाँ से हम लोग 10 ले लिए और उसके बाद ये भी 10 ले लिए, क्लियर हो गया। अब लेने के बाद इसको हम लोग प्रॉपर एक सीख में रख के, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला, तो देखिए ऊपर वाला लाइन का देखिएगा, ये जो दोनों लाइन है और इसको, तो यहाँ पे ये जो दोनों लाइन है तो इसको हम लोग यहाँ से हल्की पेंसिल की सहायता से इसको ऐसे मिला देंगे, क्लियर हुआ जी? देन इतना क्लियर होने के बाद देखिएगा ये वाला, अब इधर से जो दो लाइन है जी, ये दोनों दो लाइन यहाँ पे दिख रहा है ना जी, ये कहाँ जी? इसका एक कोर है और इसका एक कोर है, सेम टू सेम इधर भी दो लाइन, तो इसका कोर और इसका कोर, ये दोनों के हल्का देखिए फ्लैट है ना, तिरछा है, तो इन दोनों का कोर यहाँ पे वहीं हम लोग शो करने के लिए करने का कोशिश किए हैं जी। इसके बाद यहाँ से देखिए ये जो लाइन है यहाँ से, तो इन दोनों पॉइंट को जो हम लोग 10-10 mm का मार्किंग किए थे यहाँ पे रख के यहाँ से हम लोग शो कर दें, तो फाइनली हमारा इतना क्लियर हुआ। अब अगले स्टेप पे ध्यान से देखेंगे ये वाला कितना कितना गैपिंग है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ से इस दोनों के बीच में ये क्या इतना है जी, ये 1.5D है, तो यहाँ से 1.5D, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5D, तो ये कितना 3D हो जाएगा। जब 3D इधर हो जाएगा तो इधर भी ये कितना होगा 3D, तो 3D और 3D कितना हो गया जी, 6D हुआ। उसके बाद 1.5D गैप है, तो यहाँ से लेकर इधर 1.5D, फिर इधर भी 1.5D, तो इधर डेढ़ और इधर डेढ़, तो 3 हो गया। तो पहले से 6 था, 6 और 3 9, कितना हो गया 90, ये कितना हो गया जी हमारा टोटल 90। तो 90 का वैल्यू हम कितना रखेंगे जी, तो ध्यान से देखिएगा डी का वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉपर कितना है जी, इस क्वेश्चन में डी का वैल्यू हमारा टोटल था जी 16 था, तो 16 नवा कितना हो जाएगा जी 108, क्लियर हो गया जी? तो यानी 90 का बात हो रहा है जी, तो 16 नवा कितना हो जाएगा 144 mm हो जाएगा जी, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग देखिए ये 90 नहीं समझ में आ रहा है, देखिए 1.5D जब इधर है तो 1.5D इधर भी होगा, समझ में गया? तो ये आप कितना 3D हो जाएगा जी, 1.5D प्लस 1.5D, तो 3D, तो फिर इधर भी 3D, तो 3D और 3D, तो कितना 6D हो गया जी। तो उसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5D, फिर इधर भी 1.5D, तो 6D था, तो यहाँ पे 1.5D और 1.5D मिलकर 90 हो गया। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए 144 होगा। तब हम लोग यहाँ से कितना का मेजरमेंट लेंगे जी, 144 देखेंगे कहाँ तक आ रहा है जी, क्लियर हो रहा है जी? तब इधर से हम लोग 144 मार्किंग कर लेंगे कहाँ तक हमारा फाइनली आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 90 का कैलकुलेशन 144 आया, तो 144 हम लोग इधर मार्किंग कर लेंगे प्रॉपर। देखिए इधर यहाँ पे मार्किंग करनी है, सेम प्रोसेस हम यहीं पे यहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे जी। और मार्किंग करने के बाद देखिए इन दोनों पॉइंट को, देखिए ये वाला ग्राफ हम लोग नीचे की तरफ, इसको ये वाला जो ग्राफ है ना इसको नीचे की तरफ हम लोग शो कर देंगे। अब उसके बाद देखेंगे ये ग्राफ शो कर देने के बाद ये दोनों जो मार्किंग किए थे इन दोनों पॉइंट को देखिएगा, यहाँ से इसको मिलाएं तो सेम प्रोसेस हम इसको भी यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं, क्लियर हुआ जी? अब उसके बाद यहाँ से देखिए जब इतना मिला देने के बाद देखिए यहाँ पे 10 mm का क्या था जी हमारा गैप था, तो ये गैप को इसको यहाँ से हम लोग इस लाइन से हम इसको यहाँ से बाहर से ऐसे मिला, क्लियर हुआ? अब देन देखिए यहाँ पे हम लोग एच बी करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जी। तो कैसे क्या हुआ, इतना तो हम लोग एच बी कर दिए जी। अब ध्यान से देखिएगा ये जितना भी मेजरमेंट है सबको हम लोग मार्किंग करेंगे। तो इधर से ये कितना है जी, ये जो फर्स्ट वाला सेंटर लाइन है, तो इधर से ये कितना है 1.5 mm पे, ये क्या है जी, सॉरी ये कितना है जी 1.5D पे, ये इधर से लगा, तो 1.5D का वैल्यूएशन कितना निकाले जी 24 mm, तो यहाँ से 10, 10, 20, 4, 24 इधर हो गया जी, ये मार्किंग हो गया। फिर इधर से भी हम लोग क्या करेंगे जी, ये 24 mm पे हम लोग मार्किंग करेंगे 10, 10, 20, क्लियर हुआ जी? अब देखिए बीच में एक है जी, तो ये कितना होगा जी 16 × 32, तो यहाँ से क्या कीजिए हम लोग 32 mm का यहाँ पे एक डिस्टेंस लेकर, यानी इधर से 32 mm और फिर इधर से भी 32 mm, तो दोनों क्या होगा जी प्रॉपर एक ही जगह आके मार्किंग करेगा जी। तो ये हम लोग प्रॉपर यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो मार्किंग किए हैं जी, ये जो मार्किंग किए थे, तो ये जो बड़ा वाला जितना सर्किल है जी, बड़ा वाला ये जो सर्किल का हम लोग रेडियस लेके यहाँ पे ये त्रिज्या लेकर हम लोग बनाए थे, तो उतना ही ले लेंगे। और उसके बाद ये जो मार्किंग किए हैं जी, यहाँ से हम लोग एक क्या कीजिए यहाँ पे हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, क्लियर हुआ जी? सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वहीं काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर दिए, क्लियर हुआ? देन इतना क्लियर होने के बाद ये सर्किल ड्रॉ कर दिए। अब देखिए सेम प्रोसेस अब इधर भी एक बीच में है, तो बीच में ये कैसे क्लियर होगा, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये दो ठो सर्किल तो आप लोग समझ में गए कैसे सर्किल ड्रॉ होगा, तो फाइनली हम देखिएगा इसका हम लोग सर्किल ड्रॉ कर लिए। देन ड्रॉ करने के बाद इसको देखिएगा ये जो मेजरमेंट है सबका हम लोग डायमेंशन प्रॉपर शो करेंगे, तो इसको हम लोग पहले सर्किल को डार्क कर ले रहे हैं जी। तो ये फाइनली देखिएगा यहाँ पे ये सर्किल हम लोग ड्रॉ किए, ये सर्किल का व्यास कितना था जी, ये जो यहाँ पे हम लोग लिए थे जी इसका, ये जो बड़ा वाला। अब देखिए छोटा वाला यहाँ पे ये कितना है डी का वैल्यू है, तो डी का वैल्यू जितना दिया है ये अंदर की तरफ, तो इसका हम लोग कंपास में दूरी भर लेंगे और फिर इसके अंदर हम लोग उतना ही का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो उसी तरह हम लोग सेम इसमें प्रोसेस करेंगे। तो फाइनली हमारा ये क्या हुआ जी, जिग जैक लेफ्ट जॉइंट डबल रिपीटेड जिग जैक लेफ्ट जॉइंट हमारा बनकर रेडी हो चुका। अब इसका हम लोग प्रॉपर डायमेंशनिंग कर देंगे जी। तो डायमेंशनिंग देखिए जिसका जो मेजरमेंट है जिस तरह इसमें किया गया है ना, उसी तरह हम आप लोगों को बताएंगे कैसे सेम टू सेम मेजरमेंट करते हैं जी। तो ध्यान से देखेंगे इसमें हम लोग प्रॉपर इसका क्या किया डायमेंशन भी दिखा दिए जी, तो आप लोग को समझने में परेशानी नहीं होगी। तो ध्यान मिला लीजिए यहाँ पे 1.5D यहाँ गैप है, तो इधर भी 1.5D, उसके बाद ये भी देखिए सभी को कैलकुलेशन करके ही बनाएगा। तो देखिए सेम टू सेम ये फिगर ऐसा है, देखिए एग्जाम में आप लोगों को ये 20 से 25 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देख के बनाएंगे जी। देखिए ये क्या होगा जी हमारा लेफ्ट जॉइंट।